हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आलोडिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट द हेल्दी डिस्कशन। सो आज का डिस्कशन है, गॉल स्टोन कैसे फॉर्म होता है, गॉल स्टोन क्यों फॉर्म होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि गॉल ब्लडर, जहाँ पे ये स्टोन फॉर्म होता है, वो असल में क्या है और वो कहाँ पे है हमारे बॉडी में। तो गॉल ब्लडर एक बहुत ही छोटू सा एक पियर शेपेड एक ऑर्गन है, जो कि हमारे पेट में हमारे जो लीवर जो है उसके ठीक नीचे राइट साइड में वो होता है। और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो लीवर से एक जूस सीक्रेट होता है, जो है बाइल जूस, उसको स्टोर करना। और उस बाइल जूस से वो हमारी जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें मदद करता है, बाय डाइजेस्टिंग आवर फूड पार्टिकल्स, स्पेशली द फैट पोर्शंस ऑफ द फूड पार्टिकल्स। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, गॉल स्टोन क्यों फॉर्म होता है। तो उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसके कारण से एक येलो कलर का स्टोन फॉर्मेशन होता है। और उसका मेन रीज़न है हाई कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स इनटेक करना। जो लोग ज़्यादा फ्राइड फूड्स, जंक फूड्स खाते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखा जाता है ज़्यादा। इसके अलावा जो ओबेस पेशेंट्स हैं, मोटापा जिनका प्रॉब्लम है, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस है, सर्टेन मेडिकेशंस जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारे बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, यानी ज़्यादा कर देता है, तो उसके वजह से भी ये गॉल स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है। नंबर टू, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन्फेक्शन। तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर द कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। तो ये भी मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जिन लोगों को इंटेस्टिनल इन्फेक्शन या फिर दांतों में या गले में या फिर टॉन्सिल इन्फेक्शन जो है, अगर उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है इन सारे ऑर्गन्स में या पार्ट्स में, तो उससे उनको गॉल स्टोन फॉर्मेशन होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। नंबर थ्री, एक और पॉइंट है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है कि अगर किसी कारण से बाइल जूस जो है गॉल ब्लडर में जो स्टोर होता है, लेकिन इसका एक क्वांटिटी है, अगर उस क्वांटिटी से कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में वो स्टोर हो जाए, तो उस स्टोरेज के वजह से, यानी वो निकल नहीं पा रहा है गॉल ब्लडर से किसी कारण से, ऑब्स्ट्रक्शन से, तो बाइल स्टेसिस हो गया है, उस कंडीशन को बोलते हैं बाइल स्टेसिस, तो उस वजह से भी ये गॉल स्टोन हो सकता है। नंबर फोर, लास्ट पॉइंट है, बिलीरुबिन लेवल अगर बाइल जूस में ज़्यादा हो जाए किसी कारण से। तो बिलीरुबिन क्या है, ये एक पिगमेंट है या फिर एक केमिकल कह सकते हैं, जो कि लीवर सेल्स प्रोड्यूस करता है बाय डिस्ट्रॉइंग ओल्ड आरबीसी। तो अगर कुछ डिजीज़ कंडीशन जैसे कि हेमोलाइटिक एनीमिया या फिर लीवर फंक्शन की डिजीज़, लीवर डैमेज हो जाए और उस कारण से लीवर हद से ज़्यादा बिलीरुबिन को प्रोड्यूस कर दे और वो जाके बाइल जूस जो कि गॉल ब्लडर में स्टोर होता है वहाँ ज़्यादा अमाउंट में वो जम जाए और वो गॉल ब्लडर उस बिलीरुबिन जो पिगमेंट है उसको ब्रेक डाउन ना कर पाए, तो वो धीरे धीरे जम कर गॉल स्टोन फॉर्मेशन कर सकता है एंड इट रिजल्ट्स द गॉल ब्लडर स्टोन्स। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन। तो गॉल स्टोन के मेनली दो टाइप्स है, एक है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, दूसरा है पिगमेंट स्टोन। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से होते हैं और ये ज़्यादातर दिखा जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से इसका कलर कुछ येलोइश कलर का होता है, स्टोन का कलर, और स्टोन साइज में बहुत बिग साइज में होता है, जनरली देखा जाता है बड़े साइज में। एंड नेक्स्ट जो है वो है पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट स्टोन यानी जो कि बिलीरुबिन जो पिगमेंट है जो कि बाइल जूस में वो स्टोर होता है, और बाइल जूस जो कि गॉल ब्लडर में स्टोर होता है। तो अगर वो पिगमेंट यानी जो बिलीरुबिन है ज़्यादा स्टोर हो जाए बाइल जूस में और गॉल ब्लडर उसे ब्रेक डाउन ना कर पाए, तो धीरे धीरे वो जम के पिगमेंट स्टोन फॉर्म कर देता है। और ये कुछ डार्क कलर का होता है और साइज में थोड़ा छोटा होता है,
सो दोस्तों, एक वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था जो कि उसका टाइटल था व्हाट टू डू आफ्टर गॉल ब्लडर सर्जरी। तो वो वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है, वो मेरे टॉप वीडियोस में एक है। और आज भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू गॉल ब्लडर। तो उसी से मुझे ये लगा कि हाँ, एक वीडियो तो दूसरा वीडियो तो इस टॉपिक के रिलेटेड बनाना चाहिए। तो वही मैंने कोशिश किया है, कुछ हेल्पफुल, कुछ इन्फॉर्मेटिव बनाने की कोशिश। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कुछ काम करके जाइए, वो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखो, सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम यूट्यूबर्स के लिए। आइदर हम ग्रो कैसे करेंगे, और अगर मैं ग्रो ही नहीं करूँगी, मेरा चैनल अगर ग्रो ही नहीं होगा, तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी कि मैं और भी कुछ ज़्यादा हार्डवर्क करूँ, और भी ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे कुछ कंटेंट्स, कुछ हेल्पफुल हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स दे सकूँ। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ ये सारे चीज़ें ज़रूर करके जाइए। एंड पास में एक छोटा सा घंटा है, बेल बटन, तो वो प्रेस करके ज़रूर जाना। आइदर आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशंस नहीं देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे वीडियोस आ गए हैं। सो इतना तो बनता है दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही, एंड एज आई ऑलवेज से, स्टे हेल्दी एंड फिट।